चला गया था ना, जब गया था तो 10 बरस का एक बच्चा था। आज तुम्हारा बेटा 21 बरस का जवान बन के आ रहा है। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? महाराज मैं ये सोच रही हूँ, आपने तो उसे मेरा बेटा कह दिया, अगर उसने मुझे माँ कहने से इनकार कर दिया तो? ये कैसे हो सकता है? सौतेली माँ बहुत बदनाम होती है। महारानी कलावती, वो हमारा बेटा है, एक सूर्यवंशी राजपुत्र है, वो अपने कुल की मर्यादा को भलीभांति जानता है। जब हमने तुम्हें अपनी महारानी बनाया है तो वो भी जरूर तुम्हें अपनी माँ की जगह देगा, जरूर देगा। हरगिज नहीं, तुम जा सकते हो। महाराज की जय हो। आओ आओ नरपत सिंह, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। राजकुमार के स्वागत के लिए सारा प्रबंध हो चुका है, ऐसा स्वागत होगा कि बरसों तक याद रहेगा। शाबाश शाबाश रानी, हम तुम्हारे भाई से बहुत पसंद है। हम सोचते आज राजकुमार भानु प्रताप के आते ही हम उसे युवराज बना दें और तुम्हारे भाई को उसका मंत्री। सेवक हर सेवा के लिए हाजिर है महाराज। अटेंशन मामा, हम तैयार होकर आ गए, हम भी भैया को लेने जाएंगे। तुम वहाँ नहीं जा सकते कुमार। क्यों नहीं जा सकते? बेटे ये राजनीति की बातें हैं, हम और तुम राजमहल के द्वार पर तुम्हारे भैया का स्वागत करेंगे। चलो देखे
राजभवन में तुम्हारे भैये के स्वागत का क्या प्रबंध हो रहा है? चलिए महाराज। तुमने सुना, महाराज कह रहे थे कि उसके आते ही उसे युवराज बना देंगे। ये तो महाराज कह रहे थे, हमने तो नहीं कहा। हम तो अब भी यही कहते हैं कि इस गद्दी पर सिर्फ तुम्हारा बेटा बैठेगा। मगर कुमार भानु प्रताप का क्या करोगे? वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाला है। महारानी कलावती, हवाई अड्डे से यहाँ तक पहुँचने में बहुत कुछ हो सकता है। इस राजमहल में भानु प्रताप नहीं, सिर्फ उसकी लाश आई। कुमार बेटे, तू इतने बरसों के बाद आ रहा है, क्या अपनी दासी को पहचान देगा? नहीं पद्मा, तुम उसकी दासी नहीं हो। अरे तुम तो उसकी धाय माँ हो। वो तुम्हारा दूध पीकर ही तो बड़ा हुआ है, इस नाते से वो तुम्हारा बेटा। आज से हम राजकुमार के महल की तमाम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते, यहाँ का सब इंतजाम तुम्हारे अधीन होगा। महारानी, आज सारी प्रजा तुम्हारे बेटे की जय जयकार करेगी। काश आज के दिन तुम भी होती। राजकुमार, किसे प्रणाम कर रहे हो? अपनी धरती माँ को, जिसकी गोद में आज मैं 10 वर्ष के बाद वापस आ रहा हूँ। जहाँ आपके दुश्मन इस वक्त चारों तरफ फैले हुए। कपिल, हम सूर्यवंश के राजकुमार हैं, दुश्मन से डरना हमने कभी नहीं सीखा। अब यहाँ से और कितनी दूर है? बस जहाज उतरने वाला। बहुत अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज से हमारा बहुत बड़ा नाटक शुरू हो रहा है। जाने वाले जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। ओए होए, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, यूरोप के राज भी सीखे। अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, यूरोप के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर जाए, है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। सारी दुनिया में अपनी जयकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार।
के पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार होए होए जाने वाले दर्द सा अपने दिल में जो पाया जान गए हम किसने बुलाया दर्द सा अपने दिल में जो पाया जान गए हम किसने बुलाया उनसे ही मिलने झूम के निकले ठाट से निकले धूम से निकले ठाट से निकले धूम से निकले उनको भी है हमारा इंतजार यहाँ के हम है राजकुमार जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार हाय हाय जाने क्या हुआ किसी दुश्मन ने कुमार पर गोली चलाई फौरन अपने आदमी चारों तरफ भागाओ दुश्मन भाग नहीं पाए चारों तरफ से घेर लो दुश्मन जाने ना पाए मामा जी मामा जी मामा जी हमें आपका ये बंदोबस्त बिल्कुल पसंद नहीं आया जी मेरा बंदोबस्त मुझे नहीं मालूम किसने गोली चलाई मामा जी हम गोली की बात नहीं कर रहे हम तो ये कह रहे हैं कि आपने हमारे जो ये सलामी का इंतजाम किया हमें ये पसंद नहीं आया जी खैर 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 आइए दीवान जी आप आगे बैठिए मामा जी आप हमारे साथ पीछे बैठिए कहीं सलामी का इशारा फिर ना हो जाए आइए ये अंकोर कबीले के सरदार इस जंगल में इनका राज है लेकिन आपके मातहत आपका स्वागत करने आए नाइस राजकुमार की राजकुमार हमारे मंदिर में पधारी देवी आपको आशीर्वाद देंगे नो हमारे पास फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है चलो ड्राइवर राजकुमार हमारी देवी का अपमान कर रहे हैं थैंक यू चीफ लेकिन पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं मामा जी ड्राइवर को बोलो चल लेना चलो हाय हमारी देवी का अपमान करके यहां से कोई नहीं जा सकता आपको पूजा में चलना होगा डॉक्टर ल्यूपिन योर हाइनेस पूजा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है लेट्स गो कम ऑन ओह आई एम फॉलिंग देवी आप कौन हैं ये हमारी बेटी राजकुमारी संगीता बहुत संगीता आपकी हर बात में राजकुमारी और इस संगीत के लिए हम पूजा करने के लिए तैयार हैं ये विलायत नहीं है राजकुमार यहाँ संगीत के लिए पूजा नहीं बल्कि पूजा के लिए संगीत होता है तो ले चलिए आइए राजकुमार सरदार की लड़की तो बड़ी कयामत हो गई सुनो सड़ाकर ये कयामत अगर यही रही तो सरदार के बाद मेरे सरदार बनने के बारे में नहीं आते घबराओ नहीं भीमा सर इस कयामत को एक दिन हम ले जाएंगे तुम यहाँ के सरदार जरूर बनोगे जय महादेवी जय महादेवी
वेरी पर्सन। हम भी देवी से बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार, हमसे कोई गलती हुई? जी हाँ, बहुत बड़ी गलती। आपने राजकुमारी का अपमान किया है। हमने तो राजकुमारी का हाथ चूमकर तारीफ करना चाहा। विलायत में ऐसे ही तारीफ की जाती है। क्षमा कीजिए, ये विलायत नहीं है। हाँ, शांति रखिए सरदार। कुमार आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के रस्म रवाज सीख जाएंगे। आइए कुमार जी। हाँ चलिए। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। ओ, ये विलायत नहीं। नमस्ते। ये राजकुमार है क्या? बंदर आज सूर्यवंश शेर को गले से लगा दी, हमारा सर्व गौरव से ऊंचा हो जाएगा। राजकुमार की, राजकुमार की, राजकुमार की, राजकुमार की। राजकुमार की जय। गॉड ब्लेस यू। आप कौन हैं? हम आपके छोटे भैया हैं, कुमार चंद भानु। आपका स्वागत करते हैं। वेल 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 माचानी वानी ब्रदर, हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। भैया आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम विलायत से आपके लिए बहुत से खिलौने लेकर आए हैं। हेलो डैड, हाउ आर यू? व्हाई आर यू सो सैड? पिताजी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। आप मेरी मम्मी होंगी शायद? हाँ बेटा। मम, आपके बेटा आपको प्रणाम करता है। महाराज मैं बहुत शर्मिंदा हूं, जब राजकुमार आ रहे थे तो न जाने किसने उन पर गोली चलाई। गोली? गोली कहीं मेरे बेटे को लगी तो नहीं? शुक्र है मेरा बेटा बच गया। नरपत सिंह, ये तुम्हारा कैसा इंतजाम था? महारानी, इस वाक्य से मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जिसने भी ये जरूरत की है मैं उसे सजा जरूर दूंगा। थैंक यू मामा जी, मैक्सी बोकू, फ्रेंच में ऐसा बोलते हैं। तुम अपने आप को इस मुल्क का बेहतरीन निशानेबाज समझते हो और तुमसे वो कबूतर भी ना मरा। कुंवर साहब, मैंने निशाना तो ठीक राजकुमार के सीने पर लगाया था, मगर ये उसकी किस्मत ही कि वो बच गया। ओफ, किस्मत किस्मत किस्मत, किस्मत का लफ्ज सिर्फ कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं। माँ तू चिंता ना कर, अब मुझे मारने की शायद वो जल्दी ना करें। मेरी दाढ़ी, मेरी मूछ, मेरी हरकतें देखकर वो सचमुच मुझे एक जोकर और बुद्धू समझने लगे। तू नहीं जानता वो क्या कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैंने कपिल को वलायत भेज दी था ताकि आने से पहले तुम्हें यहाँ के खतरों से होशियार कर दे। उसकी होशियारी से तो बचाओ मैं दाइमा। ये देखो निशाना तो उन्होंने ठीक लगाया। हाय राम, अगर ये कवच ना होता तो जाने क्या हो जाता। ये कवच का आइडिया मेरा है माँ, और तुम कहते थे कवच की कोई जरूरत नहीं, देखी मेरी खोपड़ी। मान गए उस्ताद। ये मजाक छोड़ बेटा, तुम मेरी बात मान और आज ही वापस बुलाए चला जाए। लेकिन दाइमा। नहीं कुमार, तू नहीं जानता यहाँ चारों तरफ तेरे दुश्मन फैले हुए हैं,
खुद महाराज इस तरह उनकी मुट्ठी में है, उनको समझाना मुश्किल है। बेटा, यहाँ तेरी कोई मदद नहीं करेगा, तू अपनी जान बचा कर चला जा बेटा, तू चला जा, तुझे मेरी कसम। दाई माँ, तू नहीं जानती मेरा यहाँ पहुँचना जितना मुश्किल था, यहाँ से बाहर जाना उससे ज्यादा मुश्किल होगा। इसका तरीका मैं बताती हूँ। इस महल में एक चोर रास्ता है जो महारानी और मेरे सिवा आज तक किसी को मालूम नहीं, तू उस रास्ते से निकल जा। लवली लवली, क्या जगह बनाई है। थैंक यू दाइमा, ये काम की बात बताई, मैं इस रास्ते का इस्तेमाल जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ से भाग जाने के लिए नहीं, अपने मकसद के लिए। क्या तुम? लेकिन दाइमा, मैं यहाँ पर अपने दुश्मनों का मुकाबला करने आया हूँ, यहाँ से भाग जाने के लिए। आज की सुबह कितनी रोशनी दिखाई देती थी, मगर राजकुमार के आते ही वो रोशनी अंधेरों में टूट गई। मेरा ख्याल है महाराज कि इतनी चिंता की जरूरत नहीं, ये विलायत की आबहवा का असर है, थोड़े दिन यहाँ रहने के बाद वो अपने देश के रंग में रंगे जाए। नहीं दीवान जी, नहीं, राजकुमार ने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। हमने कभी न सोचा था कि हमारा बेटा विलायत से एक मस्तरा बनकर लौटेगा। हमने अवश्य कोई महापाप किया है दीवान जी, जिसकी सजा हमें इस रूप में मिल रही है। बेटा, दाइमा, मैं पिताजी को बताना चाहता हूं, अगर उन्होंने सपने देखे थे तो मेरे दिल में भी तमन्ना थी कि एक दिन उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने गिर्द कांटों की दीवार खड़ी कर ली है। दाइमा, इस दीवार को तुमको तोड़ना है बेटा। माँ, उसके लिए वक्त चाहिए, और मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता दाइमा, नहीं देखा जाता। फिर बेटा, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा दाइमा, मैं अभी जाकर उन्हें सब कुछ बता देता हूँ, सब कुछ बता दूंगा बेटा। पिताजी, अगर आ गया तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुमार, कैसे हो बेटा? राजकुमार की जय हो। चुप क्यों हो गए, कहो। पिताजी, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा एक साथी जो विलायत से मेरे साथ आया है बहुत बीमार है वो। कौन? वो प्रोफेसर? नहीं मामा जी, नहीं, ये तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बरसों से मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोता रहा है, यूं कहिए कि उसका मेरा तो खून का रिश्ता। कौन है वो, कहां है वो? मेरे साथ है पिताजी, दिखाओ। दिखाओ। पिताजी, ये विलायत का खटमल है, इसकी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है, लेकिन मामा जी, कल रात से इस बेचारे ने एक भी घूंट खून का नहीं पिया, किसी डॉक्टर को बुलाइए। भूल प्रथा, बंद कर दो ये बकवास, दूर हो जा मेरी आंखों से। यही तो सब चाहते हैं। महाराज, आपको उस बेचारे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ महाराज, पागल पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। राजकुमार पागल नहीं है महाराज, आप चिंता न करें, उनमें राजकुमार के गुण पैदा किए जा सकते हैं। दीवान जी, मुझे ये झूठी तसल्लियां नहीं चाहिए, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, मुझे राजकुमार चाहिए, अपना राजकुमार। कुमार, तुम वहां क्या कर रहे हो? आपको देख रहा हूँ भैया। क्यों? आप मुझे अच्छे लगते हैं। तो दूर क्यों खड़े हो? मैं पास आऊंगा तो आप मुझे मारेंगे। क्यों मारूंगा तुम्हें? क्योंकि आप पागल हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, आओ मेरे पास आओ। सच? कुछ नहीं कहोगे? कुछ नहीं कहूंगा, आओ आओ।
मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? नहीं भैया, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, फिर दूसरों को पागल क्यों दिखाई देते हो? क्योंकि उनके दिलों में खुदगर्जी, लालच और दुश्मनी भरी है, और तुम्हारे दिल में एक मासूम प्यार की रोशनी, इसलिए तुम सच्चाई देख सकते हो। भैया आपने कहा था भैया खिलौने, ना खिलौने कहा था ना? अरे बहुत खिलौने हैं मेरे पास, चल 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 मेरे यार, बहुत खिलौने, चल। तेरी जय हो हनुमान जी महाराज, तेरी जय हो। बापू प्रसाद चल। ओह मेरा प्राणायाम भंग कर दिया, क्या बात है बापू? हनुमान जी का प्रसाद खा लो। ओ तू रोज हनुमान जी का प्रसाद देती है, पर ना जाने हनुमान जी तेरे लिए प्रसाद कब भेजेंगे। बापू क्षमा कर दो, मैं ये बोल रही थी बाबू तुम्हें नहीं मालूम, कल रात को हनुमान जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और वो कह रहे थे मैं तेरे लिए एक क्या है, क्या बंदर भेजेंगे? बापू बंदर नहीं, समझते क्यों नहीं, तेरे लिए एक पति भेजूंगा। ओ महावीर दुनिया में इतने बेवकूफ हैं, एक बेवकूफ तो इधर भेज, सिवाय बेवकूफ के इसको और कोई नहीं अपनाएगा। जगत राम और मैं हूँ भगत राम, दुनिया में सब भगत राम। राम 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 राम। आज की ताजा खबरें सुनिए। नंबर वन, मेरी माता जी ने ऐसी प्यारी जगह बताई है जिसकी सब पहाड़ियों के साथ मैं वाकिफ हूँ। Did you believe it? No. नहीं, आप बचपन में गुल्ली डंडा खेला करता था। सच? नंबर टू, हमारे नाटक का सब सामान तैयार है। वेरी गुड। नंबर थ्री, नरपत का वो खुफिया महल इसी पहाड़ी की किसी गुफा में। यस। ये रही दूरबीन, इससे रखो नजर करी, मैं खा के आता हूँ करी, मैं तुझे मारूंगा छड़ी। अरे बड़ी रे बड़ी, वो देखो भीमासरण आ रहा है, ये नरपत का खास आदमी है। अच्छा, जरूर उससे मिलने जा रहा होगा। ये तो वहीं रुक गया, क्या करें, तो देख क्या। अब बजरंग बली मेरे दो काम अगर पूरे हो जाएं तो मैं यहाँ तुम्हारा मंदिर बनवा दूंगा। पहला काम यह है कि मुझे कबीले का सरदार बना दे, और दूसरा काम यह है कि मेरे घर एक दामाद भेज दे, बेवकूफ दामाद भेजना है। अच्छा अब मुझे आज्ञा दो, सेनापति नरपत मेरा इंतजार करता होगा। जय बजरंग बली। कुंवर साहब ये कौन बोल रहा है? कुंवर साहब, अबे फटे हुए बांस की तरह क्या शोर मचा रहा है? शेर बोल रहा है, शेर। कुंवर साहब, अबे देखता नहीं मैं धरती पहलवान बोल रहा हूँ। अबे बुड्ढा, तेरा बाप मुरादाबादी चूहे, थप्पड़ मारूं तो कील की तरह जमीन में गाड़ दूं, समझा? अबे मुझे गुस्सा आ गया तो अबे तोपे तो का बच्चा। कुंवर साहब आओ, बीमा कर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और रास्ते जरा टेढ़े मेढ़े हैं इसलिए देर हो गई। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसमें एक मिनट की देर भी जिंदगी की दुश्मन बन सकती है। ओह समझ गया, आगे से एक मिनट तो क्या है, मैं शूंछ रख जितनी देर भी नहीं होने दूंगा। ये आपके हाथ में क्या है? राजमहल। राजमहल? इतना बड़ा राजमहल आप हाथ में कैसे पकड़ सकते हैं? क्यों मजाक कर रहे हैं? ये देखो, ये तो कोई सफेद काली लकीरें हैं। ये तुम नहीं समझोगे भीमा सर, ये लकीरें हमारी तकदीर की लकीरें बन सकती हैं। अच्छा,
बस अब इनमें रंग भरना बाकी है। अदो लाइए, मैं भर देता हूँ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। इसमें रंग की बजाय खून काम आएगा और ब्रश की जगह तलवार। हमको अंदर नहीं जाना। अरे बात तो सुनो भाई, हमको अंदर नहीं जाना। हम बोला लेकिन अंदर कुंवर साहब हमारा इंतजार करते हैं। सर की औलाद, तुम जाओ कुंवर साहब के साथ अंदर चाय पियो। उनके फौज के लिए हमको घोड़े इतने कम कीमत में नहीं बेचने का। मगर हम तो भीमा शरण से हार कर चुका है। हम हार नहीं किया, हमको भीमा शरण जबरदस्ती हवलदार साहब, तुम बोलो हम बेवकूफ है, हम भाग रहे कि हम अपना घोड़ा गधा की कीमत है देखेगा। अरे पैसे तो आप ही जाते हैं, लेकिन राजमहल के इतने बड़े आदमी से मुलाकात करना बहुत मुश्किल है, समझेगा? मुलाकात नहीं किया क्या? बेवकूफ के माफी बात करता है ये कबूतर। जितना दाम हमको अंदर मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमको इनको देना पड़ेगा। क्यों बिरादर, इधर ऐसे ही कायदा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इस ऊंट को कहो कि अंदर तक जाए, शायद कुंवर साहब ज्यादा पैसा दे देंगे। कुंवर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अंदर जाकर मिन्नत कीजिए, हो सकता है ज्यादा माल मिल जाए। ना बाबा, सुना तुम्हारा कुंवर साहब दिमाग का बहुत तेज है। हम पैसा ज्यादा मांगेंगे, वो हमसे नाराज हो जाएगा, तुम दोनों को बुलाएंगे, बोलेगा ऐ सिपाही लोग गिरफ्तार करो दोनों कबूतर को, हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं, आप अंदर तो जाइए, वो पुकारेंगे तो भी हम नहीं आएंगे। जाइए 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 जाइए। भाइयों अपनी अपनी थैली को तैयार रखना, बड़ा सौदा है। अंदर तो जाओ। भागने का कोई दूसरा रास्ता भी है? यही रास्ता है। अरे भाई अंदर तो जाओ। ये देखो सब तैयारी हो चुकी है, मगर हमें करना क्या होगा? सबसे पहले लोगों में राजकुमार के खिलाफ नफरत पैदा करनी होगी, ताकि जब हम राजकुमार को खत्म कर दें तो लोग बगावत ना करें। और तुम जानते हो नफरत एक ऐसी चिंगारी है जो भड़कने से राजमहल तो क्या दुनिया को भी भस्म कर सकती है। और कभी ऐसा मौका आ जाए तो हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए, यही अकलमंदी है। We'll be right back.
अरे वो देखो दोनों डूब गए। अच्छा हुआ मर गए। चलो we'll be right back.
जगत राम। हाँ भगत राम। शास्त्रों में सच लिखा है कि मरने के बाद आदमी जब स्वर्ग में पधारता है तो अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। अच्छा, तो ये सब सुंदरियां राजा इंद्र ने हमारी सेवा के लिए भेजी हैं। सुंदरी, जरा हमारे पांव तो दबाओ। ओहो, लेकिन सुंदरी तुम तो अप्सराओं की रानी लगती हो, तुमसे सेवा करवाना सुंदरता का अपमान होगा। आज्ञा हो तो मैं तुम्हारी सेवा कर दूं, तुम्हारे हाथ दबा दूं, तुम्हारे चरण दबा दूं। होश में आओ, तुम स्वर्ग में नहीं बल्कि संसार में हो। क्यों झूठ बोलती हो, ऐसी सुंदरता तो संसार में हो ही नहीं सकती। वाह वाह वाह, भगवान ने यह मुखड़ा क्या फुर्सत से बनाया है। होश में आओ, ये अंकुर की राजकुमारी संगीता है। राजकुमारी संगीता, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? मैं देहाती हूँ। और मैं पहाड़ी हूँ। हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है। जा कहाँ रहे हो? हम शहर जा रहे हैं। सुना राजकुमार जी आए हैं उनके दर्शनों के लिए। राजकुमार के दर्शन? कोई प्रेम संदेशा भेजना राजकुमार को। प्रेम संदेशा? मैं और उस बंदर को भेजूंगी। क्यों जी, आपके यहाँ प्रेम करने वाले को बंदर कहते हैं? क्या मतलब? अभी तो आप गा रही थी, आ जा आई बहार दिल है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार तेरे बिना रहा न जाए। और अब बंदर कहती हैं? ये उसको नहीं, अपने मन के राजकुमार को बुला रही थी। अच्छा, अपने मन का राजकुमार तो मैं भी हूँ, आपने मुझे पुकारा। क्यों जी, मैंने कोई गलती की? तुम बहुत सीधे हो भगत राम जी। भगत राम जी, आपने मुझे भगत राम जी कहा? राम राम, आपने मुझे जी नहीं कहा। राजकुमारी जी सरकार राह देते होंगे, चलिए। राम राम। राम राम। भगत राम जी। जगत राम जी। राम राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तब क्या हुआ? तब कैकेयी ने कहा कि श्री राम को बनवास दिया जाए और उसकी जगह मेरा बेटा भरत राजगद्दी पर बैठे। क्या भरत भी अपने भाई की जगह राजा बनना चाहता था? नहीं बेटा नहीं, भरत तो अपने बड़े भाई राम की पूजा किया करता था। तो इसका मतलब वो कतई बुरे थे। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं तलवार से उसका गला काट दूंगा। बेटा तू किस किस का गला काटेगा? रामायण से लेकर आज तक इस संसार में कैकेयी हर जगह किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। धायवा, तुम्हें किसने कहा कि कुमार को उल्टी सीधी बातें सिखाओ? ये उल्टी सीधी बातें नहीं है, मैं तो रामायण की कथा सुना रही थी। ये कथा वाता साधु संतों के लिए है। मेरे बेटे ने राजा बनना है, फिर कभी उसे ये बातें मत सिखाना। बेटा कि कई बुरी औरत नहीं थी, वो एक सच्ची माँ थी जो अपने बेटे की भलाई चाहती थी, जो हर औरत चाहती है। नहीं माँ, वो अच्छी औरत नहीं थी। उसने अपने पति को मार डाला, अपने बड़े बेटे को जंगल में भेज दिया। अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका गला काट दूँ। चुप है, ऐसी बातें कभी मत सुनना, कभी मत करना। चल यहाँ से, चलो। महाराज, मेरी तो यही राय है कि राजकुमार पर जिम्मेदारी डाल दी, वो अपने आप राज का काम संभालना सीख जाएं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उन्हें युवराज बना दीजिए। नहीं दीवान जी, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता कि वो राजपद की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा सकेगा। ठीक कहते हैं महाराज, इतनी जिम्मेदारियां उस बेचारे पे मत डालिए, मेरा बेटा घबरा जाएगा। महारानी जी, दीवान जी ठीक कह रहे हैं, राजकुमार को युवराज बना ही दिया जाए। और फिर दीवान जी हैं, मैं हूं, अगर कोई गलती करेंगे तो संभाल ली जाएगी। अगर तुम दोनों ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो हमें मंजूर है। Thank you.
युवराज भानु प्रताप की जय। कबीले की तरफ से युवराज को सुनहरी कमल और चांदी की कटार पेश करने आए हैं। फूल और कटार दोनों एक साथ। आओ बेटी, आगे बढ़कर युवराज को नजराना पेश करो। आओ बेटी आओ। नहीं नहीं नहीं, ये खूबसूरती की तोहीन होगी। तुम नहीं, हम तुम्हारे पास आएंगे। दीवान जी, फूल भावरे के पास नहीं, भावरा फूल के पास आता है। फूल से चेहरे पर अब्रू की कटार, हमें यह भेंट स्वीकार। भानु प्रताप, क्या है जी? हम तो खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। बंद करो ये बकवास। राजकुमार, सारी प्रजा के सामने तुम्हें राजकुमारी संगीता की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। मामा जी, हमने बेइज्जती कहाँ की? हमको तो फूल इतना अच्छा लगा कि छूने को जी कर आया। युवराज, तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो, फिर ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। चलो बेटी आओ। भैया युवराज बन गए। चलिए रानी, गुलाम, जोकर। बादशाह एक जोकर को तख्त पर बिठाना चाहता है, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते कि ये गुलाम इन दोनों को हटाकर खुद तख्त का मालिक बन जाएगा। गुलाम अगर तख्त का मालिक बन जाएगा तो गुलाम का गुलाम कबीले का सरदार बनेगा। मगर कुंवर साहब, मुझे तो ये मंजिल काफी दूर नजर आती है। अब दूर नहीं है। राजकुमार की हरकतों ने तुम्हारे कबीले में जो गुस्से की आग भड़का दी,
हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। वो कैसे? मैं एक ऐसा तीर छोड़ने वाला हूँ कि एक ही तीर से तुम्हारा सरदार और हमारा राजकुमार दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर उस बुड्ढे को इस तख्त से हटाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो तीर फिर अपनी ही छिड़क करो ना। अभी नहीं, ये तमाशा आज रात को किया जाएगा। देखते हैं रानी हमारी इस खेल में क्या मदद करती। महारानी कलावती। तस्वीर बदलने में इतनी देर, राजकुमार आते ही होंगे, जल्दी करो। देवी, आज का दिन कितना खुशी का है। तुम्हारा पुत्र युवराज बना है, उसे आशीर्वाद दो। आओ आओ राजकुमार आओ, सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करो। काश आज ये दिन देखने के लिए महारानी जिंदा होती। माँ? माँ, तुमने मुझे माँ कहा, मुझे? क्यों नहीं, क्या मैं कुमार का भाई नहीं? जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। महारानी मुझे शक्ति दो कि आज से मैं तुम्हारे सब फर्ज पूरे कर सकूं। बेटा, मैंने तुम्हारे युवराज बनने की खुशी में काली मंदिर में पूजा का इंतजाम किया है। चलो जल्दी चलो, समय हो गया है, जल्दी चलो। तुम लोग सामान लेके आओ सब। आओ बेटा आओ। कुंवर साहब, महारानी राजकुमार के साथ काली मंदिर पहुंच चुकी हैं। तुम जा सकते हो। राजकुमार यहाँ? क्या है जी? राजकुमार ने इच्छा प्रकट की है कि राजकुमारी संगीता उनकी मेहमान बनकर आज रात उनके महल में रहे। उनकी महल में रहे? क्या बात कर रहे हो? जी, उन्होंने सुना है कि वो बहुत अच्छा नाचती हैं, चुनाचे वो अपने महल में उनका नाच देखना चाहते हैं। खामोश! इससे पहले कि मैं तुम्हारी जबान काट लूं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मगर हमें राजकुमार की आज्ञा है कि अगर आप यूं ना भेजें तो उन्हें जबरदस्ती उठा कर ले जाएं। जबरदस्ती? आंकोर के सरदार की बेटी को जबरदस्ती ले जाने वाला और उसे ऐसा हुक्म देने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता। जय सरदार का खून कर दिया। सरदार, 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 ये क्या हो गया? राजकुमार दुख से बेटा, बदला, बदला, बदला। अरे मुंह क्या देख रहे हो? हमें इस खून का बदला लेना होगा। हमारे सरदार का खूनी कभी जिंदा नहीं जा सकता। उठाओ अंकोर के सरदार की लाश, हमें इसे राजकुमार के खून से नहलाना होगा। उठाओ। देवी माँ, मेरी मनोकामना पूरी करना। आओ बेटा, देवी के चरणों में सर झुकाकर आशीर्वाद लो। आओ बेटा। रुक जाओ। छोड़ दो, मर जाएगा वो। उसके भागने में फायदा है, छोड़ दो बेटा। जानती है क्या? जो रोग जिंदगी भर का हो उसे कौन नहीं जानता। ये आप क्या कह रही है माँ? इसे मत पढ़ो, मत पढ़ो। महारानी कलावती, वादे के मुताबिक अभी तक 1,00,000 रुपया नहीं मिला। अगर जल्दी ना पहुंचाया गया तुम्हारे जन्म का राज महाराज तक पहुंचा दिया जाएगा। तुम्हारा रास्ता सब क्या है? कौन था बात? क्या बात? मैं पूछ रहा हूँ, क्या बात क्या है? बेटा, जिंदगी में बुरे काम कोई करता है और उसका फल कोई भोगता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। तेरी माँ नाचने गाने वाली थी। Oh, my God!
मगर तुम चाहते क्या हो? यही के खूनी को बाहर निकालो, राजकुमार को सामने लो, हम सरदार के खून से बदला चाहते हैं। जानते नहीं ये राजमहल है? राजमहल है तो क्या यहाँ इंसाफ के लिए पुकार करना जुर्म है? अगर राजमहल में खूनी को पनाह दी जाएगी तो फिर इंसाफ कहाँ होगा? इंसाफ यही होगा और जरूर होगा, सारी प्रजा जानती है। अगर इंसाफ के लिए जरूरी हो तो महाराज अपने बेटे को भी सूली पर चढ़ा सकती है। आज उसी इंसाफ का इम्तिहान है, मैं अपने पिता के खून का इंसाफ मांगने आई हूँ। और इंसाफ जरूर होगा। किसने तुम्हारे पिता का खून किया है? आपके बेटे राजकुमार ने। राजकुमार ने? जी हाँ, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारे सरदार का खून राजकुमार ने किया है? सबूत? सबूत मेरे पिता की एक लाश है जिन्हें अपने बेटे की इज्जत अपनी जान से ज्यादा गौरी थी। बेटी, ये इल्जाम है, सबूत नहीं। सबूत हम लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से राजकुमार को खून करके भागते देखा है। याद रखो, अगर ये बात गलत साबित हुई तो वही सजा जो तुम राजकुमार के लिए मांग रहे हो तुम्हें भी दी जा सकती है। एक बार फिर सोच लो, ये इल्जाम राजकुमार के खिलाफ है। जी हाँ, उस बदचलन और आवारा राजकुमार के खिलाफ है जिसने कई बार हमारी राजकुमारी का अपमान किया, जिसने हमरार का खून सिर्फ इसलिए किया कि सरदार ने अपनी बेटी को उसके महल में भेजने से इनकार कर दिया। ये खून इन सब के सामने हुआ है, इससे बढ़कर और सबूत क्या चाहिए आपको? अब एक ही सवाल है कि महाराज इसका इंसाफ करते हैं या हमें खुद इसका बदला लेना होगा? जवाब दीजिए महाराज। महाराज का जवाब हमेशा इंसाफ ही रहा है। जब तक इंसाफ नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। राजकुमार जहां भी हो इसी वक्त हमारे सामने हाजिर किया जाए। राजकुमार, आपको महाराज ने याद फरमाया। मुझे मामा जी? जी आइए। राजकुमार, राजकुमार, आप अभी तक अपने युवराज से नाराज हैं? भानु प्रताप, क्या ये सच है कि तुमने इनके सरदार का खून किया है? खून? सरदार का खून? राजकुमारी के पिता का खून? राजकुमार, ये क्या नाटक कर रहे हो? भानु प्रताप, तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं खून क्यों करूंगा पिताजी? भानु प्रताप, इस वक्त तुम एक बेटे की हैसियत से अपने बाप के सामने नहीं बल्कि एक अपराधी के रूप में अपने राजा के सामने खड़े हो। क्षमा कीजिए महाराज, जब तक मेरा अपराध साबित ना हो जाए मुझे अपराधी नहीं कहा जा सकता। मगर फरियादी तुम्हारे अपराध का सबूत पेश कर चुके, वो कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से तुम्हें सरदार पर गोली चलाते देखा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने खून किया? कहां थे तुम उस वक्त? मैं उस वक्त बोलो। मैं उस वक्त महाराज, महाराज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जिसे सुबह युवराज बनाया उसे अब कैदी बना रखा है। इस समय तुम्हारे अंदर माँ की ममता भूल रही है, लेकिन ये ना भूलो कि हम इस समय बाप नहीं राजा है, और राजा का धर्म है न्याय करना। बोलो भानु प्रताप, कहां थे तुम? बोलो बेटा, कहां थे तुम? माँ, ये आप पूछ रही हैं? ये उन्हीं क्या जवाब देगा? भानु प्रताप, तुम आखिरी बार पूछ रहे हैं कि उस वक्त तुम कहां थे? महाराज क्षमा कर दीजिए, आप ही का खून है, उस बाप का बेटा है जिसकी रग रग से इंसानियत और इंसाफ की खुशबू आती है, जो अपने वादे के लिए सर की बाजी लगा देते हैं,
जिनका मुंह सिर्फ सच के लिए खुलता है, झूठ के लिए नहीं। महाराज कुछ तो सोचिए, आपका बेटा खूनी कैसे हो सकता है? महारानी, हमारे कुल में आज तक इंसाफ को किसी कीमत पर बेचा नहीं गया। बेटे के मुंह में फंस कर अपने कुल को कलंकित कर दे, फिर हमसे हरगिज नहीं होगा। भानु प्रताप, तुम्हारी खामोशी साबित रही है कि खून तुम ही ने किया है। मैंने खून नहीं किया। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। महाराज, ये हमारा अपराधी है, इसे हमारे हवाले किया जाए। हम अपने कबीले के रिवाज के मुताबिक से खुद दंड देंगे। हम ये मांग पूरी नहीं कर सकते, न्याय हम खुद करेंगे। मगर महाराज, अपने इकलौते बेटे को दंड देना बहुत मुश्किल है। राजकुमारी, आज तक हमारे न्याय पर विश्वास नहीं किया गया। नफरत, अपराधी को रात भर नजरबंद रखा जाए, कल भरे दरबार में सारी प्रजा के सामने इंसाफ होगा। आज्ञा महाराज।
हमें मंजूर है। लेकिन इसका सबूत क्या है? सबूत? हाँ! अरे भाई तुम्हें याद नहीं, उस दिन भीमासरण हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा था कि उसे एक बेवकूफ दामाद चाहिए। अरे मुझसे अच्छा बेवकूफ दामाद उसे कहां से मिलेगा? भैया बहुत अकलमंद हो तुम। हूं ना, फिर आज उसकी इच्छा पूरी की जाए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। हनुमान जी तेरी जय हो, आज से मैं उसका बेवकूफ दामाद बनूंगा। हरिओ मेरी चंपा कली, मेरे कागज के फूल और दो तोले की गुड़िया, जल्दी बाहर आ, हनुमान जी ने तेरे लिए पति भेजा है। नमस्ते साधु जी। सुनिए ससुरी, आपने तो कली को बुलाया था, ये पेड़ कहाँ से आ गया? अरे बेटा यही तो है मेरी कलियों की कली, बेटी चंपा कली। आपकी बेटी चंपा? अरे दमाजी, अरे मुंह क्या देख के जाकर पानी ला जल्दी से। अरे क्या हुआ बेटा? ओ दमाजी, अरे भाई बात इस बात का मुझे डर था, मेरी चंपा कली को देखकर बेवकूफ भी अकलमंद हो जाते हैं। अरे ओ, अरे जल्दी आ, कहाँ मर गई है? अरे भाई थोड़ा पानी छिड़क दे, अरे ये क्या किया? मैं तो सुबह सुबह नहा के आया था। क्षमा कर दो प्राणनाथ, मुझसे भूल हो गई, मैं डर गई थी। क्या कहा तुमने? तुमको भी डर लगता है? मैं तो ये समझता था लोग तुम्हीं से डरते होंगे। अरे मेरे प्यारे दामाद जी, मेरी चंपा के जरा से भारी शरीर पर मत जाना, ये तो तुम्हारे आने की खुशी में जरा फूल गई है, वरना हाय हाय हाय, वरना ये तो इस धरती पे चौदहवीं का चांद है और इस इंद्र के दरबार में परी है और इनकी चाल जैसे मोरनी नाचते हुए जा रही हो। नाच? अरे ओ चंपा कली, दिखा दे जरा अपने दामाद जी को भारत नाट्यम। ले लो बापू। अरे मैं नहीं कहता था कि मेरी बिटिया को पहचानने के लिए हर किसी का काम नहीं है, उसके लिए बड़ी आंख और मोटी अकल चाहिए। अच्छा ससुर जी, अब मैं चलूंगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, यही रहोगे। अब मैं तुम्हारी शादी जल्दी कर दूंगा। बात यह है ससुर जी, मैं शादी करने को तो तैयार हूँ, लेकिन लेकिन दामाजी तुम रोने क्यों लगे? अभी ना रोने लगे। मेरी बेटी और दामाद दोनों रो रहे हैं, मुझे भी शांत रहिए। मैं बताता हूँ। बात यह है, मेरे जोशी ने कहा था कि 40 दिन के बाद शादी करना, नहीं तो तेरे ससुर जी मर जाएंगे। 40 दिन के बाद क्या कहा था? कहा था कि 40 दिन के बाद नहीं मरेंगे और इस कबीले के सरदार बन जाएंगे। तो फिर शादी 40 दिन के बाद ही होगी। दो शराख बेटे को अंदर ले जाओ, खाना वाना खिलाओ, जाओ। क्या जोड़ी है, हाय हाय हाय, एक चांद और एक चकोरी, जोर सड़क। संगीता, जितना तुम्हें अपने पिता की मौत का दुख है, हमें भी उतना ही है। आंसू पोंछ डालो, अपने दिल को मजबूत करो, अब तुम्हें कबीले की रानी बनना है। नहीं माँ हयान, मैं ये बोझ अभी नहीं संभाल सकूंगी। बात तो ठीक है, इतनी छोटी सी उम्र और पहाड़ का बोझ संभालना बहुत मुश्किल है। मैं जिम्मेदारी से नहीं डरती, दिल में सुलगती हुई आग को जब तक अपने पिता के खून के लहू से बुझा न लूं, मैं रानी बनना नहीं चाहती। फर्ज तो यही कहता है, लेकिन राजकुमारी फर्ज के चक्कर में बाकी अनजान न बनो, उन्हें ना जाने कब मिले या ना मिले। मिलेगा और जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है कि महाराज ने उसे अपने महल में छुपा रखा है। हाँ, वो लगता है, लेकिन महल में पहुंचना इतना आसान नहीं।
महल तो क्या, अगर वो पाताल में भी हो तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। चिंता नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, हमें इस बात का दुख है कि हमारे कुल में, हमारे ही घर में कैसा कपूत पैदा हुआ जो इंसाफ का सामना न कर सका और मौत के डर से भाग गया। समझते थे हम सो रहे हैं। अरे तुम तो लड़की हो, जाओ माफ कर दिया, बहादुर लोग लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। ऐसा बोलो, सिपाही मेरे पीछे है। ओ तो तुम हमारी शरण में आई हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इधर आओ, चलो इधर चल जाओ। कुमार, काले कपड़ों में आपने कोई चोर देखा है? हमने कोई काला चोर नहीं देखा, एक गोरी चोर आया था, बेचारी बहुत भूखी थी, दूध पीकर चली गई। ओहो कुमार, तो किसी बिल्ली की बात कर रहे हैं। चलो चलो उस तरफ चल के देखें। ए लड़की उठो, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इस एहसान का बदला एक दिन जरूर दूंगी। हम लड़कियों से कुछ नहीं लिया करते, तुम जा सकती हो। ए लड़की उधर नहीं, उधर। कौन है तुम? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई
तुम कौन हो? मैं राजकुमारी संगीता का सिपाही हूँ। अपनी कसम, क्या नजाकत है तुम्हारी राजकुमारी में। कमबख्त ने सिपाही भी नाजुक छोड़ रखे हैं। सुनारी नमकीन चेहरा। हमारे सिपाही होने पर शक है तुम्हें? बिल्कुल नहीं सिपाही जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो बताइए कि आप सरपट कहाँ भागे जा रहे थे? मैं महल से बच निकल रहा था, राजकुमारी के हुक्म से वहाँ पता करने गया था। कहीं महाराज ने अपने बेटे को तो वहाँ नहीं छुपा रखा? कहीं राजकुमारी ने राजकुमार को अपने दिल में तो नहीं छुपा रखा? राजकुमार को जो इंसाफ से भाग रहा है। हमारी राजकुमारी नफरत करती है उस बुजदिल से। अजी बुजदिल को मारिए गोली। यार इस दिलदार की फरमाइश तो सुनो। क्या? देख यार, हमने तेरी जान बचाई, अब इस जान की फिक्र करो। था कोई खतरा है तुम्हारी जान को? हाय हाय हाय, एक दुश्मन जान को अपनी जान बना लिया है। चुपके चुपके। किसको? जिसको भगवान ने तुम्हारी राजकुमारी बनाया है। मुझे? यानी कि मुझे को तुम्हारी राजकुमारी? अरे भाई दोस्ती यारी में सुना रहा हूँ, इसमें बुरी बात कौन सी है? और जानते हो उसके प्यार में डूबने से पहले मैं पानी में डूब रहा था, उसने अपने कोमल हाथों से मुझे बाहर निकाला, और जैसे ही उसने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया, दिल की धड़कनें दूनी हो गई, सांसों से सांसें टकराईं, और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गर्म सांसों का एक तूफान है जिसमें मैं उड़ा जा रहा हूं। मेरे यार उसकी तिरछी नजरों के बाण दिल में ऐसे लगे कि दिल के जख्मों का खून जो है ना अभी तक बह रहा है। लेकिन मेरे यार दिल से उस तीर को निकालने को जी नहीं चाहता। जानते हो इस रात की तन्हाई में अगर वो एक बार मुझे मिल जाए ना, एक बार, जानते मैं क्या करूंगा? जानते क्या करूंगा? क्या करोगे? मैं उसको अपने सीने से लगा कर कहूंगा, रानी ये भगत राम राम का उतना नहीं जितना कि तुम्हारा भगत। अब तो ये जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ, चाहे तो मार डालो। वो सच में मार देंगे। आग है वो, बिजली है, बड़ा है। आग हो या बला हो, है जो भी है बस मेरे लिए हो। अरे जाने जाने तुमने मोहब्बत की नहीं, तुम क्या जानते कि अपनी महबूबा के हाथ से मरने में क्या मजा है। और फिर हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उसने प्यार से कहा था भगत राम जी जी सच्ची कहा था। मेरे आगे तो इतनी गर्म जोशी दिखा रहे हो, उसके आगे भी हिम्मत करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा। राम राम। तबाह हो गया, तबाह हो गया, लुट गया। क्या बात है भीमा करम, बहुत घबराए हुए मालूम होते। क्यों, शराब के सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, कल सुबह राजकुमारी कबीले की रानी हो जाएगी। भीमा सारन, अभी सुबह बहुत दूर है, एक रात में बहुत कुछ हो सकता है। जाओ। आशीर्वाद दो देवी माँ कि आज की पूजा से देवता हम पर प्रसन्न हो और मुझे इस कबीले की रानी बनने की योग्यता और शक्ति दे। Thank you.
तुम्हारी संगीता को कुछ लोग उठा के ले गए हैं। नरपत के लोग होंगे। चलो मेरे साथ। मैं पूछती हूँ मुझे यहाँ क्यों लाए गए? हमारे मालिक का यही हुक्म है। कौन है तुम्हारे मालिक? वही कमीना राजकुमार? नहीं, आपका खादिम। तो? जी। आप खड़े क्यों? बैठिए ना। मैं पूछती हूँ मुझे यहाँ क्यों लाए गए? आखिर तुम क्या चाहते हो? चाहता तो बहुत दिनों से हूं कि इस बिजली को अपनी बाहों में समेट लूं, लेकिन मौका आज ही मिला है। आगे मत बढ़ना। मैं आगे मत बढ़ना। कंवर नरपत सिंह पीछे हटना नहीं जानता, समझी? बेवकूफ लड़की, इस गुस्ताखी की सजा जानती है? उम्र भर की गुलामी। हमने आज तक गुलाम होना नहीं सीखा। जो आज तक नहीं सीखा वो हम सिखा देंगे। हम इस लड़की से इसी वक्त शादी करना चाहते हैं। फौरन किसी प्रवक्ता को बुलाओ जो हुक्म देता है। ले जाओ इस बुड्ढे को, ले जाकर जुल्म मना दो। देखे तुम ध्यान मत लगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़। भरगौद बस्तिया दीमा ही दयो यो नाम प्रचोदयात ओम ह्रीं श्रीं सर्वात्मने नमः तैयार है जी कुंवर साहब। साहब कहाँ है? हम उनको आशीर्वाद देंगे। गुरुदेव इधर नहीं उधर है। कुंवर साहब तुम झुक झुक जियो, ये हमारे धन भाग के हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। आइए आइए, आपके बैठने की देर है। वो तो हमें हाथ तक लगाने नहीं देती, आगे से मारने को दौड़ती है। नहीं आती तो उसे खलीट कर लिया। शांत कुमार साहब शांत, ये विवाह का अवसर है, इतना क्रोध शोभा नहीं देता। लड़की की माँ, लड़की की माँ को कहिए के लड़की को समझा कर ले आए। लड़की के माता पिता नहीं है। तो क्या हुआ, हम ही लड़की के सब कुछ है। बेटा भरत तुम वर की पूजा आरंभ करो, हम लड़की को समझा कर ले आते हैं। रास्ता कोई दिखा दे अंधे को। चले जाओ। आइए आइए कुमार साहब, हाथ में लीजिए जल। ओम सोमाय मंगलाय बुध आए शनि दुनिया के सिवाय जितने भी प्राणी हैं बाहर चले जाएं। चांद बालिके तुम्हारा दोष नहीं है बालिके, विवाह के समय कन्या बहुत भावुक हो जाती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें कुंवर साहब जैसा जाफरानी वर मिला है। भयानक बोल न बोलो बालिके, और कुंवर साहब की शक्ति को मानो। इस शादी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। औरत अपनी इज्जत बचाना चाहती है। मैं इस शादी से पहले अपने आप को खत्म कर लूंगी। संगीते, संगीते कौन हो तुम? राम राम। भगत राम। भगत राम। याहू 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 याहू। टीका ले गुरुदेव, यहां सब तैयार है। कन्या मान गई, कार्य आरंभ करो। देखा गुरुदेव का चमत्कार,
अब कार्य आरंभ होता है। पकड़ो पकड़ो, इन धोखेबाजों को जाने मत दो, इनका पीछा करो और पकड़ कर मेरे पास लाओ। कहना आसान है राजकुमारी, करना बहुत मुश्किल है। ना तो कोई मामूली आदमी नहीं, इस राज्य का सेनापति है। तो मैं भी अंकोर की राजकुमारी हूँ, मैं महाराज से इंसाफ मांगूंगी। कोई फायदा नहीं राजकुमारी, मेरी बात मानो और सब कुछ भूल जाओ। भगवान शैतान को खुद सजा देते हैं। नहीं, मैं शैतान को खुद सजा दूंगी। राजकुमारी क्या हुआ? जख्म? जख्म की फिक्र मत करो, तुम चली जाओ, जल्दी से चली जाओ, कहीं वो लोग वापस ना आ जाए। नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। जाओ राजकुमारी, वो देखो सामने गुफा है, चलो वहां चले। राजकुमारी चलो भी। स्वर्ग से पढ़कर जहां एक राजकुमारी एक मामूली इंसान की सेवा कर सकती है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है तुम जो दिखाई देते हो असल में वो नहीं हो। सच बताओ तुम कौन हो? भगत राम। आज से मैं तुम्हें राम कहकर बुलाया कर। राम 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 क्या कहती हैं आप? राम तो भगवान का नाम है जी, मैं तो केवल भगत हूँ। भगत नहीं, आज तो तुम भगवान बन गए हो मेरे लिए। आज से ये जीवन तुम्हारा ही दिया हुआ हो गया है। तो क्या हुआ, थोड़ा सा इनाम देके उसकी कीमत चुका दीजिए। कीमत? हाँ, तुम हमारे कबीले के रिवाज नहीं जानते राम। मुझे बचाने के बदले जो चाहो मांग सकते हो और हमारे कबीले को वो मंजूर करना होगा। जो चाहो? हाँ। तुम्हें भी? हाँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मांगूंगा। क्यों? तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठा के तुम्हें हासिल कर लूं? छः, ये प्यार का दस्तूर नहीं। तो प्यार का दस्तूर क्या है? जब प्यार करोगे तो जान के। Thank you.
जा रहे हो? बाहर। क्यों? डर गया हूं क्योंकि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या तुम हर अच्छी चीज से डरते हो? हाँ हाँ, लेकिन जब चीज इतनी अच्छी हो के ईमान टोलने लगे तो अपने आप सीखने लगता। राम, राजकुमारी सो जा, बहुत देर हो गई। बदलते दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नियत ठीक नहीं। इस रंग बदलते दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नियत ठीक नहीं। इस रंग बदलते दुनिया में को, ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। तुम से न शरारत कर बैठे नादान की नियत ठीक नहीं, इस रंग बदलते दुनिया में। ये प्यार मोहब्बत रहने दो, कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती को संभालो मौजों से, तूफान की नियत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में
इंसान की नीयत ठीक नहीं निकला ना करो तू सज धज कर ईमान की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में मुझको तो किसी का यकीन नहीं मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं मुझको तो किसी का यकीन नहीं चुप जा हमारी आंखों में भगवान की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं निकला ना करो सज धज कर ईमान की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलते दुनिया में सीमा सर कबीले के रिवाज के मुताबिक आज इसी मुहूर्त में हमें अपने नए सरदार का अभिषेक करना है राजकुमारी का कहीं पता नहीं इसलिए अब तुम्हें सरदार बनना होगा देर इन पर्सन हेलो क्यों छड़क किस्मत में आ भी गई लुढ़क राजकुमारी की राजकुमारी आप ठीक समय पर आ गई हाँ राजकुमारी देवी माँ ने मेरी सुन ली और आई हुई बला को टाल दिया वरना इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए मेरा दिल घबरा रहा था राजकुमारी कबीले की खातिर आप जानती हैं कि दिल तो क्या मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ अरे मुँह क्या देख रही हो जाओ राजकुमारी को तैयार करो अरे जाओ 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 ले जाओ ले जाओ शुरू चढ़क कहेगी राजकुमारी की राजकुमारी की राजकुमारी की देवी माँ हम आज अपने कबीले के सामने आपको वचन देते हैं कि हम अपने पिता के खून का बदला लेंगे और जिसने उनका खून किया है उसके लहू से आपके चरणों पर टीका करेंगे आशीर्वाद तो देवी माँ रानी संगीता की परदेसी युवक कल रात तुमने हमारी रानी की जान बचाई है इसलिए अंकोर का कबीला तुम्हारा एहसान मानता है शुक्रिया लेकिन हमारे रिवाज के मुताबिक मर्द एहसान की कीमत नहीं मांगा करते तो मांगो या ना मांगो लेकिन हम पर सदा इस एहसान का कर रहेगा और तुम जब चाहो हमसे अपना कर्ज मांग सकते हो धन्यवाद और हमारी ये प्रार्थना है कि जब तक तुम्हारा जख्म ठीक ना हो जाए तुम हमारे मेहमान बनकर यहीं रहो जो आज्ञा रानी मुझे भी आपके सामने एक वचन देना है जब तक मैं आपके सरदार के खूनी को पकड़कर उसकी बॉडी बॉडी ना कर डालूं मैं आराम से नहीं बैठूंगा आशीर्वाद दो रानी परदेसी की कुंवर साहब वो राजकुमार के आदमी नहीं कोई पगले से देहाती हैं भगत राम जगत राम वो दोनों वही मेहमान बन के रह गए हैं जो राजकुमारी को ऐन मौके पर छुड़ा कर ले गए वो पगले नहीं सकते पगले वो पगले नहीं है कुंवर साहब वो तो मंगल से नीचे है मेरी किस्मत को सरस्वती लगा दी देखिए सरदार बनने के लिए मैंने नई पोशाक बनाई अब इसे अपने हाथ से आग लगा दीजिए रोते क्यों हो भीमा शरण इस पोशाक को संभाल कर रखो अभी नरपस जिंदा उन दोनों आदमियों पर नजर रखो और मौका मिलते ही उन्हें पकड़ कर ले आओ
मगर आप उनको पकड़ेंगे कैसे? उन्हें तो राजकुमारी हर वक्त अपने साथ रखती है। अपने साथ? अपने घर में? बेवकूफ, कबीले में राजकुमारी की बदनामी करवा दो, अपने आप उन्हें निकलवा देगी। सड़क अब देखता हूं मुझसे बचकर वो कहां जाते हैं। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है काबा शिकन अदाएं, जुल्फों में मुंह छुपा कर मुझको लुभा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। घबरा रही है खुद भी बेचैन हो रही है, घबरा रही है खुद भी बेचैन हो रही है, अपने ही खून दिल में दामन डुबो रही है, बेजान रह गए हम, बेजान रह गए हम, वो मुस्कुरा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मस्ती
मेरी घटाओ, अब जाके रोक लो तुम मस्ती भरी घटाओ, अब जाके रोक लो तुम, तुमको मेरी पसंद है समझा के रोक लो तुम, उसकी जुदाई दिल पर, उसकी जुदाई दिल नश्तर चला रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है। देखो कितना अच्छा लगता है तुम्हें हमारा लिबास। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कैदी लगता हूं। कैदी? हाँ कैदी, ये पहनकर मैं भी तुम्हारी प्रजा बन गया जिस पर रानी की तरह तुम हुकूमत कर सकोगी। तुम्हें सिर्फ मेरी हुकूमत दिखाई देती है, मेरा प्यार नजर नहीं आता। अगर इस बंधन को ही तुम प्यार कहती हो तो ना बाबा ना, माफ करो और मुझे जाने दो, बहुत से जरूरी काम करने हैं मुझे। वो कौन से जरूरी काम है? अरे बहुत से काम है, गांव में मेरे खेत सूख रहे हैं, उन्हें पानी देना है, उन पे हल चलाना है, और जानती हूँ क्या हुआ, आते वक्त मैं अपनी चारपाई छत पर ही भूल आया हूँ। मुझे बार बार उसी का ख्याल आता है कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ और वहाँ गांव के सारे कुत्ते दिन भर उस चारपाई पर आराम से सोते होंगे। तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी चारपाई की फिक्र है? तुमसे ज्यादा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मुझे उस चारपाई की फिक्र है। मेरे लिए? हाँ, शादी के बाद जब तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हारे सोने के लिए वही चारपाई तो है मेरे पास। हाँ हमारी रानी के घर में नहीं रह सकता, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे यहां से निकाल दो। ये कैसा शोर है, किसे यहां से निकाल दो? कबीले वाले ये चाहते हैं कि उस परदेसी को यहां से निकाल दो। क्यों? जवाब दो, क्यों उसे निकाल दूं? क्योंकि कोई गैर मर्द इस तरह हमारी रानी के घर में नहीं रह सकता। ये हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है। जो मेरी जान बचाते हुए खुद जख्मी हो गया, उसे एक मेहमान की इज्जत देकर घर में रखना क्या शर्म की बात है? हमारे कबीले की इज्जत, हमारा धर्म, हमारा फर्ज क्या यही कहता है कि जिसने हम पर एहसान किया उसे हम इस तरह बेइज्जत करके अपने गाँव से निकाल दें? जो हमारी खातिर घायल हो गया उसे हम रास्ते में फेंकते? तुम्हारी रानी की शान और कबीले की इज्जत क्या इसी में है? बोलो जवाब दो। उसे मेहमान बनाने पर हमें कोई एतराज नहीं है। तो फिर किस बात पर एतराज है? इस बात पे कि वो मेहमान से मालिक बनना चाहता है, वो हमारी रानी से शादी करने के ख्वाब देखने लगा है। उसे ख्वाब देखने की जरूरत नहीं, जिसने मेरी जान बचाई अगर वो चाहता तो हमारे रिवाज के मुताबिक उसी दिन मेरा हाथ शादी के लिए मांग सकता था, मगर वो एक बहादुर और शरीफ इंसान है जिसने हमारे रिवाज का फायदा उठाना अपनी शान और शराफत के खिलाफ समझा। तो इसका मतलब है कि वो नहीं, हमारी रानी ही उसके प्यार में दीवानी हो गई है। क्या रानी को प्यार करने का हक नहीं होता? अगर कबीले की हर औरत को अपना पति चुनने का हक है तो क्या वो हक कबीले की रानी को नहीं होगा? मगर रानी ने अपने पिता के खून का बदला लिए बगैर शादी ना करने की जो कसम खाई है उसका क्या होगा? वो कसम है, इसलिए तो तुम्हारी रानी ने आज तक शादी नहीं की। और विश्वास रखो
जब तक वो कसम पूरी नहीं होगी तुम्हारी रानी शादी नहीं करेगी। और कुछ पूछना है? तुम लोग जा सकते हो। राम, राम, ये क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ। क्यों? शादी तुम अभी करोगी नहीं, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? तुम तो मेरी मजबूरी जानते हो राम। हमारी शादी के दरमियान राजकुमार एक दीवार की तरह खड़ा है। जिस दिन मैं उसका खून अपने देवता के अर्पण कर दूंगी उसी दिन मैं अपने आप को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। जाने वो कब करोगी? तब तक मेरे खेत सूख जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। मेरे आदमी चारों तरफ उसकी तलाश में फैले हुए। अब वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। तुम्हारे हाथों से बच भी गया तो मेरे हाथों से नहीं निकल सकता। राम राम। ठहरो। नहीं रुकोगे? नहीं। जानते हो मैं यहाँ की रानी हूँ, मैं तुम्हें हुक्म भी दे सकती हूँ। मैं भी राजकुमार, दिल की सल्तनत का, किसी का हुक्म मानने का आदि नहीं। राम राम। राम राम राम। ये क्या? क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी? कहा था ना मैंने, राजकुमारी हूं मैं। हाँ, सिर्फ राजकुमारी। सिर्फ राजकुमारी से मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे सुनाई सिर्फ राजकुमारी हो, जिसकी जान बचाना इस वक्त मेरी जहालत का सबूत बन गया है। तुम्हारे हो तो लोग खाम खा बदनाम करते हैं लोमड़ी को, मक्कारी और धोखेबाजी के लिए। लोग भी सचमुच पड़े वो है। देखो तो, तुम्हारे होते हुए शेर को जालिम और बेरहम भी तो कहते हैं। मेरा जुल्म, मेरी बेरहमी तुम जब देखती, अगर मेरे हाथ बंधे बना होते। सच? अच्छा तो लो, बंधन खुलवा देती हूँ। बंधन खोल दो। गलती कर रही हो, पछताओगी। बंधन खोल दो। मैं एक राजकुमारी के साथ वो सलूक नहीं कर सकूंगा जो एक औरत के साथ किया जाता है। मैं तुम्हारी जान ले लोगे? क्या करोगे? Yeah.
करती रही बताऊं क्या दिल का हाल है जिस घड़ी से मिले हम जैसे सैकड़ों बिजलियां गिरी और जल उठे हम मुझे खाक करने पर तू ले हो जालिम आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा दिल डूबा दिल पे तू ये सितम किए जा आँगे तो आग में जलती रही प्यार के शोलों पे चलती रही ओ हो भाइयों तुम भी पियो लो
ये लो अब पिया और महाराज भीमा सरन की जय बोलो बोलो जानते हो हमारी आज्ञा का पालन न करने का मतलब क्या होता है हम सबको शोषण कर रहे हैं बोलो महाराज की जय हो आ? आपका दामाद ससुर जी अरे खुश रहो हम जब महाराज पढ़ेंगे तुम्हें जय बोलने के बदले में हम मुंह मांगे नाम देंगे आप शराब के नशे में ही महाराज बनेंगे या कभी सच्ची भी बनेंगे अरे अब हम थोड़े दिनों के बाद अपने कबीले के सरदार बनने वाले हैं रोना क्यों है? अगर आप सरदार बनेंगे तो राजकुमार आपको गोली मार देगा तू क्या समझता है कि पहले सरदार को राजकुमार ने गोली मारी थी तो फिर ससुर जी गोली किसने मारी थी गोली मारी थी वो ये राज की बात है किसी को बता रहे ससुर जी ओए धत्ते देखी आज बात फिर अधूरी रह गई ओए ससुर जी अजी अधूरी कहाँ से रह गई बात आज तो बात पूरी होगी याद है ये क्या लाई हो ये वरमाला है स्वामी आज ये वरमाला तुम मेरे गले में पहनाओगे 40 दिन पूरे हो गए आज हमारी सुहागरात तो पहना दो अच्छा ऐसा करो अंदर से मेरे लिए बादाम का दूध ला दो मैं दूध पीकर वरमाला पहनूं बादाम का दूध अभी लाई क्यों घबराते हो प्यारे बापू मेरे हाथ पर से मक्खी उड़ाओ राजकुमार क्या खबर लाए हो क्या बताऊं रोज की तरह बात आज फिर अधूरी रह गई क्या वो ससरा पी के फिर धूत हो गया लेकिन ये बात पक्की है कि भीमा शरण को सब कुछ मालूम है उसने जो कुछ कहा है सब इसमें है तो फिर और कोशिश करो वहां रहकर नहीं मैं दोबारा नहीं जाऊंगा बात ये है मेरे 40 दिन पूरे हो गए अब अगर वहां गया तो उस मोटी तोप के साथ बांध दिया जाऊंगा तो फिर भीमा शरण के लिए कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी प्यार का बंधन तोड़ के चले गए पर मेरे लिए तो ये बंधन ही जीवन है मैं इसे कैसे तोड़ दूं रानी एक महान योगी आए हैं वो सब कुछ जानते हैं उनके दर्शनों के लिए चलिए वो सब दुख दूर कर देंगे चलिए योगी राज यहाँ की रानी आपके दर्शन के लिए आई है रानी को आना ही था साथ ही बिछड़ गया हाँ महाराज ये बहुत दुखी है बालिके क्या तुम अपने प्रेमी के लिए दुखी नहीं हो हरिओम बालिके
तुमने उसे बहुत दुख दिया। नहीं महाराज। कन्या, उसे बंधवा दिया था, अपनी ताकत दिखाई थी, प्रेमी शक्ति से नहीं भक्ति से मिलता है बाल के। भूल हो गई महाराज, क्षमा चाहती हूँ। क्षमा उससे मांगनी होगी। लेकिन वो कहाँ है महाराज? बहुत दूर, लेकिन परम गुरु नागराज उसे बुला सकते हैं। तो मुझ पे कृपा की चीज होगी राज? होगी, तुम पर कृपा अवश्य होगी। तुम्हारा कल्याण हो गया बालिके, कल सुबह तुम्हें अपने प्रेमी के दर्शन होंगे। कहा महाराज? परम गुरु नागराज, बोलो बोलो। जिस गुफा में तुम दोनों एक रात मिले थे, सूर्य निकलते ही वहीं जाकर पुकारो। नमो शिवाय। ठहरो दोनों, जाओ। नमो शिवाय, नमो शिवाय। पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारार हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। शहजादी होंठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारार हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। पुकारा
चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने बुगारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने बुगारा और हम चले आए। रोशन है तुम्ही से मेरे अफसाने का, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का, तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का, चले आए जान है तेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान है तेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल है तेली पर ले आए रे, तुमने शांत बालिके शांत, हम सब कुछ जानते हैं। मगर योगीराज, धीरज धीरज, परम गुरु नागराज शायद ये मूर्ख रानी हम पर विश्वास नहीं करती। आप ही बताइए कि इस बालिका के कंठ में कितना स्वर है। तुमने पुकारा हम चले आए, जान है तेली पर ले आए रे, हम चले आए, जान है तेली पर ले आए, तुमने बुगारा हम चले आए। धन नागराज, धन है नागराज। बोलो रानी, अब हम पर विश्वास हुआ? महाराज, मैं अविश्वास की बात करने नहीं आई। जाओ रानी और विश्वास रखो कि एक दिन तुम्हारा भगत राम तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन कब महाराज? ये बात गुरुनाथ अभी नहीं बताना चाहते, लेकिन इतना हम जानते हैं, जिस खड़ी तुम्हारे पिता का खूनी मिलेगा उस वक्त तुम्हारा प्रेमी भी मिलेगा। महाराज, ओम नमो शिवाय। प्रेमानंद, सभी लोग आए हैं लेकिन असली पंछी नहीं आया। महाराज, आपका प्रोपेगेंडा बड़े जोरों से किया जा रहा है, देखिए एक दिन जाल में फंस ही जाएगा। लेकिन जल्दी करो प्रेमानंद, अब हमसे ये जुदाई का दुख सहा नहीं जाता। जो आज्ञा योगी राज, मैं अभी जाके तिगड़म लड़ाता हूँ। जल्दी जाओ। आज तू छड़ा, मुझे ऐसी अनहोनी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े पाखंडी साधु का भेद बनाकर घूमते हैं। क्षमा मांगो भीमा शरण, अगर उन्होंने सुन लिया तो जाने क्या होगा। हम सब सुन रहे हैं, हमारी निंदा करने वाले को हम एक ही फूंक में भस्म कर देंगे। क्षमा करो नागराज, मुझसे छू छड़क हो गई, मतलब अब भूल हो गई। भूल हो गई तो उसका प्रायश्चित करना होगा। करूंगा, जो आप कहेंगे करूंगा। अच्छी बात है, तो आधी रात को आधी मूछ मुंडवाकर आधा नारियल लेकर
हमारी पूजा करने आओ। ओम नमो शिवाय। आदि मूछ लेकर आऊंगा। गुरुदेव पंछी आ गया। ओम नमो शिवाय। अरे मुरारी। ओम नमो शिवाय। चलो इस दरवाजे को अपवित्र हाथ मत लगाओ। मगर योगी राज, मैं नागराज की आज्ञा से आधी मूछ कटवाकर आधा नारियल लेकर आधी रात को आधे आपके दर्शनों को आया हूँ। जानते हैं प्रायश्चित के लिए आए हो, लेकिन इस तरह नहीं आ सकते। महाराज कैसे आऊँ? घुटने टेक कर बैठ जाओ। यहाँ नहीं वहाँ। कान पकड़ लो। ऐसे नहीं। पकड़िए। जीवनन दरवाजा खोल दो। जो आज्ञा गुरु। दत्तनाथन हिम हिम हिम। गुरुदेव गुरुदेव। पापी, परमदेव बाप गुरु की निंदा कर रहे थे तुम। गुरुदेव गुरुदेव भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ। कितने अपराध क्षमा करवाओगे? यहाँ का राजा बनना चाहते हो? अपनी रानी की हत्या करना चाहते हो? नहीं 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 महाराज, बिल्कुल। सत्यभाषण मत करो। परम गुरु नागराज, इस विश्वासघाती का असली रूप दिखाइए। बोलो बोलो। क्या समझता है कि पहले सुल्तान को राजकुमार ने गोली मारी थी? तो फिर ससुर जी, गोली किसने मारी थी? गोली मारी हुई वो ये राज की बात है। महाराज मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दे एक ऐसे निर्दयी इंसान को जिसके हाथ अपने सरदार के खून से रंगे हुए हैं। क्षमा कर दे मुझे, कभी नहीं हो सकता। मगर महाराज, सरदार का खून मैंने नहीं किया। किसने किया? नरपत सिंह ने। महाराज वही राजकुमार का भेष बदल कर आया था और सरदार को गोली मारकर चला गया। लेकिन राजा के सामने झूठ क्यों बोला था? राजकुमार को फांसी लगवाने के लिए। क्यों? वो इसलिए कि राजकुमार के बाद नरपत सिंह महाराज को खत्म करके खुद राजा बन जाएगा और मुझे यहाँ का सरदार बना देगा। महापाप। जीवनं गुरुदेव। जीवनं, ऐसे पापी को क्या दंड दिया जाए? महाराज, इस पापी को आज की रात अपनी पवित्र छाया में रखा जाए। ठीक है, और तुम परम गुरु नागराज को ले जाकर महाराज के चरणों में अर्पण कर दो। जो आज्ञा। सिंह ने महाराज वही राजकुमार का भेष बदल कर आया था और सरदार को गोली मारकर चला गया। लेकिन राजा के सामने झूठ क्यों बोला था? राजकुमार को फांसी लगवाने के लिए। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी गद्दारी, बाप के हाथों अपने ही बेटे के खून की इतनी भयानक साजिश। नरपत, नरपत सिंह, नरपत सिंह। राजकुमार, महाराज सच्चाई जानकर बहुत खुश हुए, मगर तुम भीमा शरण को कहाँ छोड़ा है? फिक्र मत करो, अब वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और आज जब महाराज के मुंह से सुनूंगा कि मैं बेकसूर हूँ, तो मैं खुद उन्हें अपना असली रूप दिखा दूंगा। जिसे देखने के लिए वो तड़प रहे, तुम्हारे स्वागत के लिए महल आज दुल्हन की तरह सजा हो। सिर्फ नरपत अकेला जेल की दीवारों से सर टकरा रहा होगा। हमसे टक्कर ले रहा था। अच्छा तुम चलो, मैं खुफिया रास्ते से महल में आता हूँ।
महाराज की आज्ञा से मैं आपके स्वागत के लिए हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। महाराज आप खड़े क्यों हैं? राज सिंहासन पर बैठिए। महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार हमने खूनी राजकुमार भानु प्रताप को कैद कर लिया है और आप ही की आज्ञा के अनुसार हमने राजकुमारी संगीता को बुला भेजा है ताकि आपके वायदे के मुताबिक वो अपने बाप के खून का बदला राजकुमार के खून से पूरा कर सके। राजकुमार को यह सजा सारी प्रजा के सामने दी जाएगी ताकि चारों तरफ आपके इंसाफ की जय जयकार हो। नरपत सिंह, ये मत भूलो कि आखिरी इंसाफ भगवान के हाथ होता है, पर अगर आज तक सूर्यवंश के राजाओं ने इंसाफ किया है तो मुझे विश्वास है इस बार भी इंसाफ ही होगा, जरूर होगा। नीच कमीने, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना गिरा हुआ होगा। रानी कलावती महाराज ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं अपने बेटे के राजा बनने के साथ देखती ना ये हाल होता। महाराज मेरा गला घोट दीजिए, मुझे मार दीजिए महाराज, मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए। तेरी मां मुझे शक्ति दो कि आज इस बाण से मैं अपने पिता का खून करने वाले का सीना छेद कर अपनी कसम पूरी कर सकूं। आज तुम्हारे महाराज और राजकुमार की जान खतरे में है, अगर तुम लोग आज नरपत के खिलाफ न उठे तो वो राजा बनकर इस देश को वीरान कर देगा और तुम तो सुहाग गुजर जाएंगे, बच्चे जितनी हो जाएंगे और बहु बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। क्या तुम लोग एक देशद्रोही को अपना राजा मान सकते हो? देखिए महाराज की जान खतरे में है, मेरे सामने नरपत मामा ने मेरे पिताजी के हाथ बांध दिए और उन्हें घसीट कर ले गया था। नरपत मामा को मार डालो, उसी ने सरदार का खून किया, नरपत मामा को मार डालो। इस बात से मत डरो कि नरपत के सिपाहियों के पास हथियार है, इतिहास गवाह है कि सालेम के हथियारों से जनता की आत्मा कभी नहीं दबाई जा सकती। हमारा हथियार हमारी एकता है, अपनी खुदाने उठाओ, अपनी लाठियां उठाओ, अपने पार्ग उठाओ और गद्दारों का सर कुचल दो, आगे बढ़ो। महाराज की जय। महाराज की जय हो। विजयनगर के प्रजाजनों, आपने महाराज का इंसाफ तो कई बार सुना और देखा होगा, लेकिन आज जो वो इंसाफ कर रहे हैं उसे देखकर आकाश के देवता भी हमारे न्यायमूर्ति महाराज की जय जयकार पुकार उठेंगे। आप लोगों को ये बताते हुए मेरा कलेजा कराता है कि महाराज ने अपने बेटे को खून के जुर्म में मौत की सजा देने का फैसला कर लिया है। नहीं, हम तो आपके सामने सर झुकाने के भी काबिल नहीं। एक इंसान इंसानियत की हद से इतना ऊपर जा सकता है ये हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। दिल के न चाहते हुए भी हमें आपका हुक्म मानना ही पड़ेगा। महाराज का हुक्म है कि इस अपराधी को जो खून करने के बाद बुजदलों की तरह कानून से डरकर भाग गया था, जल्दी उनकी आंखों के सामने मौत की नींद सुला दिया जाए। नहीं, मैं खूनी नहीं हूं, मैंने खून नहीं किया है, ना मैं बुजदिलों की तरह मौत से डर कर भागा हूं। नरपत, तुम जानते हो कि मैं क्यों भागा था? महाराज, सच्चाई जानते हुए भी आप खामोश हैं? कहिए, बोलिए, बोलिए। महाराज कह रहे हैं कि वो आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कोई फासला नहीं समझता। मैं मुजरिम की मौत नहीं मरना चाहता, सिर्फ एक बार कह दीजिए कि मैं खूनी नहीं हूँ, कि मैं बेकसूर हूँ। सर आप मेरा सीना छन्नी करवा दीजिए, मैं उस तक नहीं करूंगा महाराज, मैं उस तक नहीं करूंगा। राजकुमार अब आखिरी वक्त तक बोलकर अपने अपराध के बोझ को कुछ कम कर लो। नरपत, क्षमा कीजिए राजकुमार, हमें महाराज का हुक्म मानना ही पड़ेगा। आपकी कोई आखिरी तमन्ना हो तो पूरी कर लीजिए। मेरी आखिरी तमन्ना,
मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि उन सब किताबों को जला देना चाहिए जिनमें लिखा है कि सच्चाई ने कभी भी झूठ और फरेब के हाथों सिसक सिसक कर दम नहीं तोड़ा। यह मेरी आखिरी तमन्ना है। नरपत, आपकी आखिरी तमन्ना जरूर पूरी होगी। कुली को रानी संगीता को हाजिर किया जाए। रानी संगीता की, रानी संगीता की, रानी संगीता, एक दिन भरे दरबार में तुमने महाराज को ताना दिया था कि वो अपने बेटे को सजा ना दे सकेंगे। आज उनका इंसाफ अपनी आंखों से देख लो। वो रहा तुम्हारा अपराधी। महाराज का हुक्म है कि उसे मौत के घाट उतार कर उनका वायदा और अपना बदला पूरा कर लो। इसी दिन का तो इंतजार था राजकुमार। नहीं राजकुमारी, राजकुमारी ये खूनी नहीं है। आपके हुक्म का पालन हो रहा है महाराज। रानी जल्दी करो। इससे पहले कि तुम राजकुमार को हमेशा के लिए सुला दो, हम तुम्हें अपने राजकुमार की मासूमियत का एक और रूप दिखाना चाहते हैं। राजकुमार गुलाम इस गुस्ताखी की माफी चाहते। रुक क्यों गई रानी, तुम भी अपना फर्ज पूरा कर लो। तुम ही राजकुमार हो, तुम्ही ने मेरे पिता का फोन किया है। नहीं नहीं राजकुमार, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो खिलौने की तरह मुझसे खेले और आग की तरह जला दिया। मैं तो समझती तुम सिर्फ मेरे भोले भगत राम हो, एक देवता हो, और देवता किसी का खून भी कर सकता है ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आखिर ये सब तुमने क्यों किया? जवाब दो, जवाब दो। रानी प्यार में अपना फर्ज ना भूलो। हाँ संगीता, जब अपने ही खून ने प्यार और सच्चाई की पुकार नहीं सुनी तो तुम मेरे लिए अपना फर्ज क्यों भूल रही हो? रानी उधर देखो, अगर एक बाप फर्ज के मंदिर में अपने बेटे का खून चढ़ा सकता है तो तुम अपने फर्ज को क्यों हाथ में मिला रही हो? उठाओ कमान और अपना वचन पूरा करो। हमें सरदार के खून की लाश चाहिए, हमें सरदार के खून की लाश चाहिए, हमें सरदार के खून की लाश चाहिए। इस वक्त भूल जाओ कि तुम एक औरत हो, एक शेरनी की तरह रानी का फर्ज निभाओ और फिर औरत की तरह इस खून की लाश पर आंसुओं की जयमाला चढ़ाओ। रानी अपना वचन पूरा करो। Thank you.
तुम्हारे पिता का खूनी, अपना वचन पूरा करो।
राजकुमार की, राजकुमार की, राजकुमार की, राजकुमार की, राजकुमार की, राजकुमार की। पिताजी, बानू मेरे बेटे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं बेटे, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बेटे। नहीं, भगवान तुम में सब पुत्र हर किसी को दे। बेटे, आज समस्त प्रजा के सामने हम अपने रक्त से तुम्हारा राज्य करेंगे। नहीं पिताजी, मुझे नहीं, कुमार को तिलक कीजिए। ऐसा ना कहो बेटा, इस गद्दी के मालिक तुम हो। कुमार को गद्दी पे बिठाने के लिए मैंने तुम्हारे हर कदम पे कांटे बिछाए, उसकी सजा मुझे मिल गई। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। माँ अपने बेटे से माफी मांगती अच्छी नहीं लगती माँ। लेकिन लेकिन हम अपनी बेटी से माफी मांगते हुए अच्छे लगते हैं। आओ आओ बेटी, आओ इधर आओ, हम तुम्हारा अपराधी तुम्हारे हवाले करते हैं। पिताजी, आपसे एक प्रार्थना है, अब यहां किसी का राज नहीं होगा, अब यहां सिर्फ प्रजा का राज होगा, सिर्फ जनता का राज होगा। जाने वाले जरा होशियार, यहां के हम हैं राजकुमार। आगे पीछे, आगे पीछे हमारी सरकार, यहां के हम हैं राजकुमार।